दैनिक सवेरा, अंधेरे से उजाले की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जहां पूरे देश में स्वच्छ भारत मुहिम चलाई गई है और पंजाब सरकार ने भी इस मुहिम में अपना विशेष योगदान देकर प्रशासनिक अधिकारियों को इस मुहिम को चलाने के आदेश दिए हैं, लेकिन सरकार के इन आदेशों की नाफरमानगी का ताजा मामला सुल्तानपुर के अधीन आते गांव झल्लाईवाल में देखने को मिला, जहां पर एक दर्जन से अधिक परिवार पिछले 40 सालों से गंदगी के माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गांववासियों का कहना है कि उनके गांव में पानी तो आता है, लेकिन उसकी निकासी का साधन नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अपने घरों में ही गड्ढे खोद कर गंदे पानी को रखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। इस संबंधी उन्होंने ग्राम पंचायत व प्रशासनिक अधिकारियों को भी जानकारी प्रदान की है, मगर उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं दूसरी तरफ ये मामला भाजपा के जिला सचिव राकेश कुमार नीटू के समक्ष लाया गया तो उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस मामले को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कमल शर्मा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखेंगे। वहीं जब इस संबंध में एसडीएम बराड़ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि तुरंत बीडीओ को भेजकर वे इस मामले की जांच करवाकर जल्द ही हल निकालेंगे और वे खुद भी इस स्थान पर जाकर सारी स्थिति का जायजा लेंगे। मैं छिंदर कौर बोल रही हूं, पर साढ़े इतने कोई सुनाई नहीं होंगी, कोई भी पंचायत वालों नहीं होंगी, कासी वालों नहीं होंगी सुनाई। साढ़े बच्चे बीमार पे आ दिहाड़ दप्पा जोड़ा अं 250 रुपया करके लियाने उत्ते बच्चों के लाई जाने, अं खाना कितों वा। मैं अमरकौर बोल रही हूँ, लीवर चल तो साढ़े घर गंदगी इन्नी, पानी कितने नहीं जाता, कोई पंचायत नहीं साडा सुनती, ना कि साड़ी नाली ना कि साडा राह, 40 साल सानू हो गया बैठे ने, कोई साड़ी सुनाई नहीं सुन। मैं राकेश नीटू सचिव भारतीय जनता पार्टी जिला कपूरथला, जिथे साडे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे हिंदुस्तान सफाई अभियान चलाया हुआ, उसे सुल्तानपुर के सुल्तानपुर हल्के के बहुत सारे पिंड प्रशासन वालों पिंड जोड़ा सफाई अभियान है वो ना के बराबर है। सुल्तानपुर के पिंड झल्लाईवाल जो गंदगी दे नाल पिंड का बुरा हाल है, नालियां गलियां का, और उन्होंने वेख के बहुत शर्म महसूस होती है। ये जो तुम मसला काफ़ी गंभीर मसला, पर मेरे पहले नोटिस नहीं थे, अच्छ ही लाइव मीडिया से प्रिंट मीडिया राय मेरे नोटिस आया, पहला मैंने कोई शिकायत या पंचायत को इस तरह का कोई मामला मेरे नोटिस नहीं लिया गया। मैं हमने बीडीओ साहब को किया तो कल वह मौका देखेंगे, असं बहुत जल्दी इस हल करवावे, जो कि जरूरत पेगी तो मैं खुद यदा मौका देख के आवाना, तो इसमें अभी पूरी संजीदगी लेंदे हुए तुरंत हल करवा।